हेलो, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम सीएसआईआर नेट जून 2021 के एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। तो जैसा कि सीएसआईआर नेट ने कल अपना जो रिजल्ट था वो जून 2021 का डिक्लेयर कर दिया है। रिजल्ट तो काफी पहले आ चुकी थी, लेकिन उसमें क्वालिफाइड या अनक्वालिफाइड ऐसा करके लिखा नहीं था। तो जो कल रिजल्ट आया है उस रिजल्ट में क्वालिफाइड और अनक्वालिफाइड ये ऐड करके नया रिजल्ट बनाया। बाकी रैंकिंग वगैरह और कट ऑफ ये तो सबको ऑलरेडी उन्होंने पहले ही पब्लिश कर दिया था, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में हम करने क्या वाले, तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम 2021 नेट जून के लिए प्रिपेयर करते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स हमको कवर करने हैं, कौन कौन से टॉपिक से कितने कितने मार्क्स आते हैं, वो सारे हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो जो पेपर होगा आपका जून 2021 में होगा, क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है क्योंकि दिसंबर में यूजीसी नेट का जो पेपर है वो अगर कंडक्ट करा रही है तो एनटीए ही सब कंडक्ट कराती है। एनटीए ही सीएसआईआर यूजीसी नेट भी कंडक्ट कराती है और सिर्फ यूजीसी नेट का भी कंडक्ट कराती है। सीएसआईआर मतलब उसमें साइंस के कुछ मेजर सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट उसमें ऐड हो जाते हैं, बाकी जो यूजीसी नेट है वहां पे बाकी जितने भी सब्जेक्ट है वो होते हैं। तो अगर बाकी हर एक सब्जेक्ट का हो रहा है तो आई होप जो साइंस का है उनका भी होना चाहिए। और अगर दिसंबर का पेपर होता है तो जून स्टार्टिंग में होगा यूजीसी नेट के बाद, और अगर रेगुलर होता है फिर भी जून के 15 के बाद आपका पेपर बनेगा। मतलब ये मान के चलते हैं कि पेपर चाहे जून का हो या दिसंबर का, पेपर आपका जून में होगा। मतलब एक चीज तो क्लियर हो गया कि आज 26 है तो कल 27 और 28, मतलब पे मंथ आपका ऑलरेडी एंड हो चुका है, मतलब इन हो जाएगा। तो मतलब आपके पास क्या बचे है, अब मार्च अप्रैल और मई, तो ये 3 मंथ, क्योंकि आज 26 है, 2 दिन बाद आपका फिर मंथ भी इन हो जाएगा। तो आपके पास क्या बच रहा है, एक तो मार्च, एक तो अप्रैल और एक तो मई, यानी कि ये 3 मंथ आपके पास है। जून को छोड़ देते, अगर जून के स्टार्टिंग में होगा या 15 के बाद वहां भी आप क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर सकते हो। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 90 डेज आपके पास है, 90 या 92 डेज, क्योंकि मार्च और मई में 31 होते हैं। तो एक लमसम मान के चलते आपके पास 90 डेज है। अब इस 90 डेज के अंदर आपको प्रिपेयर करना है, मतलब ये 90 डेज आपके पास है, इसी 90 डेज के अंदर आप कैसे जून 2021 के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, तो वो हम आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट समझ लेते हैं, मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं, एक तो प्योर मैथमेटिक्स और एक अप्लाइड मैथमेटिक्स, प्योर मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। अब प्योर मैथमेटिक्स में आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आने वाले हैं, प्योर मैथमेटिक्स में आपका सबसे इंपॉर्टेंट रियल, लीनियर अलजेब्रा, मॉडर्न अलजेब्रा और लास्ट में आता है आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो इन 4 टॉपिक्स आपका प्योर मैथमेटिक्स के, और इसके बाद अप्लाइड में ओडी, पीडी के बाद में इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी, न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो ये आपके अप्लाइड सेक्शन में ये सारे टॉपिक्स आपके आ जाते हैं। तो अब आपको यहां से रियल और लीनियर अलजेब्रा सिर्फ इसी 2 टॉपिक से आपके टोटल 110 या फिर ये कह सकते हैं 100 से लेंगे 115, इसके बीच में जो आपका मार्क्स है वो रियल और अलजेब्रा, यानी कि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक तो रियल और एक अलजेब्रा, यहां से आपके टोटल कितने 100 से लेके 115 तक आपके यहां से आने। फिर आपका मॉडर्न अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, यहां से आपका 62-70 मार्क्स यहां से आ जाता है, और अगर मैं पूरे अप्लाइड की बात करूं तो पूरे अप्लाइड से भी यही 72-80 मार्क्स आपका पूरा अप्लाइड से आ जाता है।
तो ये है कि जहां से आपके कितने कितने मार्क्स के किस किस टॉपिक से आते हैं। तो अब ये आपको तय करना है कि कौन कौन से टॉपिक आपको सिलेक्ट करने हैं, जिस पे आपको कमांड अच्छी करनी है और उसी टॉपिक पे आपको फोकस करना है। अगर आप प्योर मैथमेटिक्स पे अच्छे से कर रहे हो तो आपका सिर्फ प्योर मैथमेटिक्स पे ही आपके नेट निकल जाएंगे। अभी हम डिस्कस करेंगे कि नेट पर टोटल क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं और आपको कितना टारगेट करना है जीआरएफ के लिए और लेक्चरशिप के लिए। बट ये कह सकते हैं कि अगर आप प्योर मैथमेटिक्स में आपका रियल और लीनियर अलजेब्रा ठीक है तो आप मॉडल और कॉम्प्लेक्स से कुछ मार्क्स गेन कर सकते हो, या फिर अगर अप्लाइड अच्छा है तो अप्लाइड से। लेकिन अगर आप अप्लाइड को पूरी तरीके से छोड़ दो और ये फोर टॉपिक्स में रियल लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो भी आपका 130 से 140 मार्क्स यहां से आपके कवर हो जाएंगे, सिर्फ रियल लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स नंबर। अब यहाँ पे मॉडर्न अलजेब्रा को इसके लिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मॉडर्न अलजेब्रा अपने आप में बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है और ये काफी बड़ा है, तो अगर आप इसको डिटेल में पढ़ने जाओगे या आपको लगेगा तो बहुत इजी, बट कॉम्प्लेक्स पर मॉडर्न अलजेब्रा की जो क्वेश्चन है वो नहीं बनेंगे। मतलब आप पढ़ोगे तो बहुत अच्छा, आपको आएगा भी अच्छे से, आपको समझ में भी आएगा, बट प्रॉब्लम ये है कि जब उसके क्वेश्चन करने जाओगे वो एग्जाम में आपके उसके क्वेश्चन नहीं बनते। रियल लीनियर अलजेब्रा आप जब पढ़ोगे तो आपको लगेगा हार्ड है, बट एग्जाम में क्वेश्चन भी इसी के बनते हैं। आपको जो मार्क्स गेन होते हैं हमेशा रियल और लीनियर अलजेब्रा से अच्छे स्कोर आप कर सकते हो। मॉडर्न अलजेब्रा के क्वेश्चन अगर वो परम्यूटेशन से रिलेटेड है और इरिड्यूसिबल से है, जो सिंपल सिंपल टॉपिक है जैसे कि परम्यूटेशन का या फॉर्मूले बेसिस पे रिड्यूसिबल के या पीआईडी, मतलब डायरेक्टली अगर रिलेशन पूछे या काउंटिंग पे पूछे तो क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। बट थोड़ा भी अगर वो डीप में थ्योरी पार्ट पूछ रहे होमोमॉर्फिज्म आइसोमॉर्फिज्म जो किसी रिजल्ट के बेस पे नहीं है, थोड़ा आपको वहां पे थ्योरी पार्ट यूज करना है तो प्रॉब्लम वहां पे क्वेश्चन फंस जाते हैं और एग्जाम के टाइम पे आप उस क्वेश्चन को टैकल नहीं कर पाते। तो इसका मतलब आपको रियल लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स और मॉडर्न अलजेब्रा के कुछ टॉपिक्स ही आपको सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 130 और 130 से 140 में सारे मार्क्स आप गेन नहीं कर सकते। अब यहां से आपके कुछ क्वेश्चन तो छूट जाएंगे क्योंकि रियल में भी जो कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो इसको आप स्किप कर सकते हो, जैसे एंडिंग में आप इम्प्रॉपर इंटीग्रल को स्किप कर सकते हो या फिर मेजर थ्योरी टोपोलॉजी ये सबको आप स्किप कर दोगे। बाकी मैंने इसमें रियल में सारे काउंट कर दिए, मेजर थ्योरी और टोपोलॉजी जो एमएससी में आपको टॉपिक्स रहते हैं, तो वो सब टॉपिक अगर आप स्किप भी करते हैं तो भी आप यहां से 100 मार्क्स गेन कर सकते हो सिर्फ ये टॉपिक से। अब अगर कट ऑफ इंक्रीज होता है तो वो मार्क्स आपको कहां से निकालने, तो पार्ट ए से आप मार्क्स निकाल सकते हो। पार्ट ए में अगर आपके 10-15 मार्क्स के भी क्वेश्चन बन जाए, अगर यहां पे आपका फॉर एग्जाम्पल अगर ये पार्ट आपका इजी है तो पार्ट ए में से आप ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकते हो जो बहुत ही सिंपल हो। पार्ट ए में 20 में से आप ऐसे 7-8 क्वेश्चन या फिर पकड़ लो मिनिमम 5-6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत ही सिंपल होते हैं, मतलब 10th लेवल तक के क्वेश्चन होते हैं, तो वहां से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और उसके बाद अप्लाइड में भी कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं, जैसे मैं बात करूं पीडीई के कुछ क्वेश्चन, पीडीई का अगर वो एलिप्टिक पे आ गया तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, या फिर आपने जो बीएससी में सेपरेबल वेरिएबल सेपरेबल में किया वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चन आ गए तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं, या फिर पीडीई में जो स्टार्टिंग के लैग्रेंजर से रिलेटेड आ गया तो ये ऐसे टॉपिक है जहां से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। यानी कि यहां से आपको पूरा पोर्शन नहीं करना है, पूरा पोर्शन आपका जो है वो रियल और लीनियर पे फोकस करना है। यहां का अगर आप 10% सिलेक्टेड टॉपिक जिससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, अगर आप सब पढ़ लोगे तो भी आपको 70-80 मार्क्स नहीं आने वाले, तो इससे अच्छा आप 10% पढ़ो जिससे आपके 2-4 क्वेश्चन अगर टोटल पे भी बन जाते हैं तो यहां से आप मिनिमम 10-15 मार्क्स गेन कर सकते हो। अब 10-15 मार्क्स अगर यहां पूरे से आपका गेन हो रहा है, ऐसे आपको इंटीग्रल इक्वेशन में भी क्वेश्चन मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल एनालिसिस में भी मिल जाएंगे और सीओई में कुछ टॉपिक जो आपने बीएससी लेवल में पढ़े, तो यहां से आप 10-15 मार्क्स आपको मिनिमम में बात करना मिल जाएगा। तो होता ये कि जब अगर आप अप्लाई से 10-15 मिनिमम की बात करना 10 अगर आप पार्ट ए से कलेक्ट कर रहे हो और ऐसे ही मॉडर्न अलजेब्रा से भी आपको परम्यूटेशन वगैरह से और रिंग थ्योरी के कुछ क्वेश्चन या फिर काउंटिंग के क्वेश्चन अगर आ गए तो 10 मार्क्स आप यहां से भी इजीली जो बहुत ही सिंपल होते हैं, यानी कि 30 मार्क्स आपके वैसे ही।
अब बात करते हैं पूरा कट ऑफ की, और कट ऑफ के बाद में आपको बताऊंगा कि रियल और लीनियर अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स एनालिसिस आपको कितना। तो आपको मान के चल रहा है अभी रियल को लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स को छोड़ दो और 30 मार्क्स आपके यहां से गेन हो सकते। अगर हम पूरे स्ट्रक्चर देखें तो हमारे पास तीन पार्ट होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। पार्ट ए से आपको कितने मैंने कहा 10 मार्क्स गेन करने। पहले टोटल स्ट्रक्चर देख लेते, कितने क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के आते हैं। यहाँ पे आपके पास टोटल क्वेश्चन होते हैं 20, जिसमें से आपको अटेम्प्ट कितना करना है 15। यहाँ पे ये देखो, ये मैं टोटल क्वेश्चन देख रहा हूँ और यहाँ पे आपको कितने अटेम्प्ट करना है। पार्ट बी में टोटल 40 क्वेश्चन होते हैं और आपको अटेम्प्ट करने हैं कितने 25। यहाँ पे आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 60 और आपको अटेम्प्ट करने हैं सिर्फ 20। तो 15 सर यहाँ पे आपके 30 मार्क्स हो जाएंगे। इसको अगर मैं 30 से करूँ तो ये मेरा 75 मार्क्स, अगर मैं यहाँ 4.75 से कर रहा हूँ तो यहाँ पे आपके 95 मार्क्स आ जाएंगे। और टोटल जब आप इसका सम करोगे तो टोटल आपके 200 मार्क्स होंगे। और आपके पास ऑप्शन कितने पहले बोलो, ये अगर 2 से करूं तो 40, अगर इसको 2 से करूं और 3 से करेंगे तो 120, और जब इसको 4.75 से करेंगे तो 95 = 285, यानी कि 285 अब ये 400 = 445। और आपको अटेम्प्ट कितने करने 200, मतलब 445 में से आपको सिर्फ 200 का अटेम्प्ट करना है, बट नेट निकालने के लिए आपको मैक्सिमम मार्क्स 105 और जीआरएफ निकालने के लिए मैक्सिमम मार्क्स आपको 120। ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूं और इसका रीजन ये है कि कट ऑफ धीरे धीरे इंक्रीज होंगे, क्योंकि जो सोर्सेस अवेलेबल है ना वो आजकल आपके पास नोट्स अवेलेबल है, आपके पास वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे जो स्टार्टिंग से हर चीज आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा आपको नोट्स भी मिल जाएंगे हर एक क्लासेस के, कहीं से भी आपको नोट्स या फिर ऑथर्स की बुक आपको इजीली मिल जाएंगे। इसका मतलब ये कि धीरे धीरे कट ऑफ बढ़ रहा है। कट ऑफ बढ़ने का रीजन ये है कि सारे सोर्सेस अवेलेबल है, और दूसरा रीजन ये है कि सब घर पे बैठ रहे हैं तो एमएससी छोड़ के उनका सारा फोकस नेट और जीआरएफ पे। कट ऑफ धीरे धीरे इंक्रीज होने का ये कुछ रीजन है, बट एक रीजन और है कि कट ऑफ कम भी हो सकता है। इसका रीजन ये है कि कुछ लोग को प्रॉब्लम हो गया, कुछ लोग ने बीच में छोड़ के अपने जॉब पे लग गए, तो मतलब दोनों हो सकता है, कट ऑफ इंक्रीज होंगे, बट ये कुछ ये जब तक ये चल रहा है बीच में, इसके बाद 1 ईयर के बाद कट ऑफ बहुत हाई जाएगा, बट बीच में जब तक ये प्रॉब्लम्स वगैरह चल रहे तब तक कट ऑफ हो सकता है दोनों रीजन से बैलेंस हो जाए। लेकिन फिर भी हम मैक्सिमम लेके चल रहे कि जीआरएफ 120 और नेट 100। अब ध्यान से 30 मार्क्स तो हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, कौन कौन से 10 मार्क्स पार्ट ए से, मिनिमम की बात कर रहा हूं। अगर आपको प्योर में फोकस करना है, मेरा मेन एम जो है वो रियल कॉम्प्लेक्स और रियल कॉम्प्लेक्स और लीनियर अलजेब्रा, तीन आपका मेन फोकस होना चाहिए, बट इसके बावजूद आप 30 मार्क्स गेन कर सकते हो 10 मार्क्स मॉडर्न अलजेब्रा से, 10 मार्क्स अप्लाइड से और 10 मार्क्स आप गेन कर सकते हो पार्ट ए से। ये मिनिमम मार्क्स है और इसके लिए आपको अलग से एफर्ट नहीं लगाना है कि आपको उसको बहुत सारे पढ़ने, कुछ सिलेक्टेड टॉपिक, कुछ ही सिलेक्टेड टॉपिक जो आपको कवर करना है। वो कौन कौन से टॉपिक होंगे उसके मैं क्वेश्चन करा दूंगा, और दूसरी बात उसके लिए आपको अलग से टॉपिक करने की भी जरूरत नहीं, जो पिछले ईयर के इजी इजी क्वेश्चन आए वो भी अगर आप सब करके जाते हो तो भी आपके एग्जाम में वो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन जाएंगे। तो मतलब अगर मैं जीआरएफ की बात करूं तो जीआरएफ में मुझे कितना मार्क्स लाना है 90 और यहां से लाना है 75, और ये 90 और 75 आपको कहां से कलेक्ट करने, रियल से, लीनियर अलजेब्रा से और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। मतलब आपके पास अब रियल और लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ये तीन टॉपिक से मिलते हैं आपको जीआरएफ के लिए 90 और 75 आपको चाहिए किसके लिए, अप्लाइड 75 को लेक्चरशिप के लिए और 90 मार्क्स आपको जीआरएफ के लिए। तो ये आपका टारगेट होना चाहिए ये तीन सब्जेक्ट के, और इसी तीन सब्जेक्ट को आपको प्रिपेयर करना है कितने डेज में, 90 डेज में। और साथ ही साथ आपको
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, मिनिमम आपको 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने। आप अल्टरनेट कर सकते हो, जैसे कि एक दिन मॉडर्न अलजेब्रा के 5 क्वेश्चंस कर लो किसी एक ईयर के उठा के, फिर उसके बाद 5 क्वेश्चन उठा के आप पार्ट ए के कर लो। पार्ट ए के तो नहीं करोगे तभी चलेगा, क्योंकि पार्ट ए के में 5 क्वेश्चन इसलिए बोल रहा हूँ जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए आपको कुछ अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं। अगर आप डायरेक्ट पेपर में भी जाके उसमें से 5 क्वेश्चन ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो जो बहुत इजी होंगे और वो 10th के बेसिस पे सिंपल कैलकुलेशन या फिर सिंपल वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक दिन 5 क्वेश्चन पीडीई के अप्लाइड के उठा रहे हैं। अब उसमें आप टॉपिक डिस्कस कर सकते हो, जैसे कभी ओडीई के उठा लो, कभी पीडीई के उठा लो, कभी सीओवी के उठा लो, कभी इंटीग्रल इक्वेशन। और ऐसे ही आप डेली अगर 5-5 क्वेश्चन भी उठा रहे हो तो 3 महीने के बाद, 90 डेज के बाद, उसमें से 10 मार्क्स आप इजीली गेन कर सकते हो। ऐसे ही आपको क्या करना है, ग्रुप थ्योरी के एक दिन ग्रुप थ्योरी के उठा लो, एक दिन रिंग थ्योरी के उठा लो। ऐसे ही हर 4 दिन के बाद एक बार फील्ड थ्योरी के भी, जो डिग्री ऑफ एक्सटेंशन पे क्वेश्चन आते हैं वहां से भी क्वेश्चन आप उठा सकते हो जो पिछले ईयर पूछे गए। आपको एक्स्ट्रा थ्योरी पार्ट अलग से नहीं पढ़ना, थ्योरी पार्ट आपको पढ़ने के लिए आपके पास रियल है, लीनियर अलजेब्रा है और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब यहां से देखो, रियल लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जो टोटल मार्क्स आते हैं 130 और 40। अगर आपने बहुत अच्छे से रियल और कॉम्प्लेक्स किया तो यहां से आप 90 से लेकर 75 ये आप इजीली गेन कर सकते हो। बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, रियल लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से फोकस करना होगा। मतलब ये वो टॉपिक है जो मैं कह सकता हूँ जिसका आपको बहुत ही अच्छे से डिस्कस करना। अब ये कैसे करना है, 90 डेज 3 टॉपिक, दैट इज रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा। अगर मैं तीनों को कंपेयर करूंगा परसेंटेज में तो जो आपको पढ़ना है, ऐसा समझो 45% एफर्ट आपको किसमें देना है, रियल पे 35%, इसको इक्वल भी कर सकते हैं, 40% रियल, 40% लीनियर अलजेब्रा और 20% कॉम्प्लेक्स। यानी कि अगर मैं रेशियो बोलूं तो 4:4:2 ये आपका रेशियो होगा जिसपे आपको वर्क करना है। क्योंकि जितना आपको रियल पे, मतलब जितना रियल और लीनियर पे कर रहे हो उसका आप आपको फोकस करना है कॉम्प्लेक्स पे। और यही 3 मेजर टॉपिक है जो आपको टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करना है। अब इसको आपको सारे टॉपिक करना है। अब रियल में सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं, कहां से कहां तक, ये स्टार्ट होता है हमारा पॉइंट सेट टोपोलॉजी यानी सेट थ्योरी से लेके लास्ट में कहां तक जाता है, ये फंक्शन ऑफ सेवरल थ्योरी, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, पॉइंट सेट टोपोलॉजी या फिर सेट थ्योरी। सेट थ्योरी में आपका काउंटेबिलिटी वगैरह आ जाता है। उसके बाद आ जाता है सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके बाद आ जाता है एलसीडी, फंक्शन एंड देयर एलसीडी, फंक्शन एंड देयर एलसीडी मतलब लिमिट कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। तो एलसीडी मतलब लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। इसके बाद आप रिमार्क इंटीग्रेशन कर सकते हो, इसके बाद आप रियल में इम्प्रॉपर इंटीग्रल, और ये सारे टॉपिक आपको करने हैं। इसके बाद फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल और बाउंडेड वेरिएबल, ये सारे टॉपिक है जो आपको रियल में कवर करना है इन 90 डेज में। ऐसे आपको लीनियर अलजेब्रा की मैं बात करूं तो लीनियर अलजेब्रा में आपको वेक्टर स्पेस एंड देयर सब स्पेसेस, मैट्राइसेस, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी में रैंक भी आ जाता है। जब आप मैट्रिक्स पढ़ोगे, मैट्रिक्स के बाद सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, रैंक भी आपको साथ साथ में करना है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन और मैट्रिक्स और उसके एसोसिएटेड जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है इसमें आइगन वैल्यू एंड देयर आइगन वेक्टर। उसके बाद फिर इनर प्रोडक्ट स्पेस, लीनियर फंक्शन, ये सब टॉपिक आप कवर कर सकते हो। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में आपको क्या करना है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के डेफिनेशन वगैरह, मतलब हालांकि अगर मैं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के देखू ना तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के कुछ टॉपिक को भी अगर आप सिलेक्टेड कर दोगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। बट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को आप डिटेल में पढ़ो अच्छा होगा। और इसमें आपको ज्यादा, जितना आपको रियल और लीनियर अलजेब्रा में थ्योरी पढ़ना है उतना आपको कॉम्प्लेक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं।
क्वेश्चन देखो किस किस टॉपिक के, वो टॉपिक उठाओ और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करो, आपके जो सारे रिजल्ट है ना वो आपके माइंड पे होंगे जितने भी रिजल्ट है। और कॉम्प्लेक्स की खासियत ऐसी है कि ये सारे रिजल्ट बेस्ड हो जाता है, और रियल और लीनियर अलजेब्रा की ये खासियत है जितना ज्यादा आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे, जितना ज्यादा आप काउंटर एग्जाम्पल दे सकते हो उतना आपके लिए हेल्पफुल होगा लीनियर अलजेब्रा और रियल। और ये कैसे बनेंगे, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना थ्योरी पढ़ोगे, जितना माइंड में आपके एग्जाम्पल्स आएंगे उतना आप एग्जाम में काउंटर एग्जाम्पल देके ऑप्शंस को एलिमिनेट करोगे। आपके पास जितने काउंटर एग्जाम्पल होंगे उतने आपके पार्ट थ्री के क्वेश्चन बनेंगे, कि अगर एक आपके पास मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट दिया हुआ है तो उसको कौन कौन से इम्प्लाई कर रहे हैं ये आपको, अगर आपको रिजल्ट पता है तो ठीक है, अगर आपको रिजल्ट आप प्रूव नहीं कर सकते तो एक काउंटर एग्जाम्पल दे दो जिससे कि आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। अब कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या करना है, जैसे लीविलिस थ्योरम हो गया, स्क्वायर लेमा हो गया, कॉसी इंटीग्रल के जितने भी रिलेटेड है, कॉसी गोसेट थ्योरम, कॉसी थ्योरम और कॉसी इंटीग्रल फॉर्मूला। अब इसमें होता यह है कि चाहे कॉसी से प्रूव करो या फिर जो रेसिड्यू थ्योरम है, दोनों से आपके क्वेश्चन बन जाते हैं। तो मतलब आप लिंक करके भी पढ़ सकते हो, रेसिड्यू थ्योरम से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के। आपको रिजल्ट पता होना चाहिए और हर एक का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रिजल्ट आपके माइंड में होने चाहिए। जैसे आपके क्वेश्चन में माइंड है पहले आपको गिवन पे जाना चाहिए, क्या क्या गिवन है और इस गिवन का यूज करके मैं कौन कौन से रिलेशन यूज कर सकता हूँ, कौन सा थ्योरम अप्लाई कर सकता हूँ, ये आपको आना चाहिए। और ये कब आएगा, जब डेली प्रैक्टिस कर रहे हो, जब डेली आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो इन तीन टॉपिक को आपको डिस्कस करना है, तो मतलब 90 डेज में, और 90 डेज में इसी को बाकी सब्जेक्ट को आप डेली 5-5 क्वेश्चन अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, बट ये आपका मेन सब्जेक्ट है रियल लीनियर अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स 4:4:2। ये मैं क्यों दे रहा हूं अभी रिजल्ट बता रहा हूं, 4:4:2 इसका मतलब टोटल डेज कितने हैं 90, आपको क्या करना है 36 और 18 इतने दिन आपको देने हैं। तो अगर आप इसका रेशियो निकालोगे तो 4:4:1 ये हो गया हमारे पास डेज, टोटल डेज कितने थे 90। मैं 90 को इस तीन तरीके से डिवाइड कर सकता हूं, ये हो गया रियल, ये हो गया अलजेब्रा और ये हो गया आपका कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अब आपको क्या करना है ध्यान से, दो दिन आप रियल पढ़ो, दो दिन आप अलजेब्रा पढ़ो और फिर उसके बाद 50 डेज में आपको क्या करना है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के, फिर से आपको दो लेक्चर मिले। उसके बाद आप क्या करोगे, फिर से रियल के 2 डेज, फिर से अलजेब्रा के 2 डेज और फिर उसके बाद आपको कॉम्प्लेक्स नहीं लेना, फिर से आपको क्या करना है 2 रियल के लेने हैं। मतलब मैं अगर एक सीक्वेंस बनाना चाहूं तो देखो किस तरीके से पैटर्न बनेगा पहले समझो, क्योंकि रियल और अलजेब्रा आपकी एक टच में हमेशा होने चाहिए। मतलब आप पहले रियल 2 डेज, फिर अलजेब्रा 2 डेज, फिर कॉम्प्लेक्स 2 डेज, फिर आप रियल के 2 दिन करो, फिर अलजेब्रा के 2 दिन करो, फिर उसके बाद फिर से रियल 2 दिन, फिर अलजेब्रा 2 दिन, फिर कॉम्प्लेक्स 2 दिन, फिर रियल 2 दिन, अलजेब्रा, रियल, अलजेब्रा और फिर से कॉम्प्लेक्स, रियल, अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स, ये फिक्स होकर फिर से रियल ले लो, फिर से अलजेब्रा ले लो, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स। तो इस तरीके से आपके डेज होंगे, मतलब ऐसे आपके टोटल 45 पेयर बनेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे टोटल कितने बनेंगे 45। मतलब पहले रियल अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स दो दो दिन आपको पढ़ना है, क्योंकि अब एक दिन में क्या करना, आप जितने भी टॉपिक है जैसे आपने सीक्वेंस पहला टॉपिक उठा लिया काउंटेबिलिटी, तो आपको काउंटेबिलिटी को जितना जल्दी हो सकता है आप उसको थ्योरी को पढ़ के नेक्स्ट डे पूरे दिन भर क्वेश्चन पढ़ो। पहले दिन आपको क्या करना है टॉपिक पढ़ना है और सेकेंड डे आपको पूरे क्वेश्चन कर देना, थर्ड डे आप कॉम्प्लेक्स के जब थर्ड टाइम करोगे कॉम्प्लेक्स एक टॉपिक उठाओ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स, रियल के फिर से कोई नया टॉपिक उठाओ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, लीनियर अलजेब्रा के एक टॉपिक उठाओ उससे रिलेटेड एग्जाम्पल, फिर लीनियर, फिर अलजेब्रा, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर लीनियर, फिर अलजेब्रा, फिर लीनियर, फिर अलजेब्रा, फिर कॉम्प्लेक्स। मतलब हर अल्टरनेट के बाद मतलब 2, फिर 2, फिर कॉम्प्लेक्स, फिर 2, फिर 2, फिर कॉम्प्लेक्स, इस तरीके से आपका
ये चलते जाएगा। इसमें आपके टोटल कॉम्प्लेक्स भी कितने आएंगे, 9 पेयर बनेंगे, टोटल 18 डेज। ऐसे आपके अलजेब्रा के 18 पेयर बनेंगे और आपके रियल की 18 पेयर बनेंगे। तो अगर मैं पेयर का बात करूं तो आपके पास टोटल रियल की 18 पेयर बनेंगे, अलजेब्रा के भी 18 पेयर बनेंगे और कॉम्प्लेक्स के भी 9 पेयर बनेंगे। अब इस 80 को आप अपने अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक को कितना दिन देना है। बट जब भी दोगे एक ही दिन टॉपिक पढ़ो, नेक्स्ट डे पूरा दिन भर क्वेश्चन देखो, फिर एक टॉपिक पढ़ो फिर पूरे क्वेश्चन देखो, क्योंकि टॉपिक में आपको क्या होगा, आपको आइडिया लगेगा। और रियल ऐसा क्वेश्चन नहीं है कि आप सिर्फ क्वेश्चन करोगे, इससे आपके ऑथर से पढ़ो, किसी भी नोट से पढ़ो, एक दिन में जितना ज्यादा हो सकता है उससे रिलेटेड आप क्या करो, अब टॉपिक को पढ़ो और आपको थ्योरम सारे याद होने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि उसमें एग्जांपल्स भी होने चाहिए, बट नेट के क्वेश्चन को आप नेक्स्ट डे देखो। और सिर्फ नेट के क्वेश्चन नहीं, चाहे वो गेट के क्वेश्चन हो, नेट के क्वेश्चन हो, कहीं से भी डिस्कस करो। और उससे रिलेटेड अगर आपको कोई नेक्स्ट डे कहीं यूट्यूब पे वीडियोस मिल रहे हैं आप वो भी देख सकते हो। मतलब आपको उस तरीके से करना है। रियल के 18 पेयर, टोटल लेक्चर 36, अलजेब्रा के 18 पेयर, टोटल लेक्चर 36, कॉम्प्लेक्स के 9, टोटल 18। और ये तीन टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करना है और साथ ही साथ डेली आपको माइंड में लेके चलना है कि आपको एक दिन 5 कॉम्प्लेक्स के मॉडर्न अलजेब्रा के लेने, फिर एक दिन 5 क्वेश्चन आपको अप्लाई करना है। ऐसे आप अगर डेली क्वेश्चन से बनते हो तो आपके पास टोटल 45 पेयर बनेंगे और 45 × 5 यानी कि आपके पास अच्छा खासा 225 क्वेश्चन बन जाएंगे मॉडर्न अलजेब्रा के। ऐसे ही 45 × 5 आपके पास 225 क्वेश्चन बन जाएंगे अप्लाई करने, जिसमें अगर आप 5 टॉपिक पढ़ रहे हो, मैं तो बोलता हूँ न्यूमेरिकल एनालिसिस को छोड़ दो, ये अपने अकॉर्डिंग के अगर आपके सब्जेक्ट में था तो ठीक है। अगर आप 225 को न्यूमेरिकल के कुछ टॉपिक ऐड कर दो, 60 क्वेश्चन आप अप्लाइड के ले लो, 60 क्वेश्चन ODE के ले लो, 40 क्वेश्चन COE के इनफ है। और उसके बाद लगेगा तो 25 क्वेश्चन ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस अप्लाइड, ODE, PDE, COV और इंटीग्रल इक्वेशन और ये एनालिसिस। तो इस तरीके से अपने अकॉर्डिंग आप क्लासिफिकेशन कर सकते हो। और बाकी इस तरीके से आपके 36 36, तो ये आप इस तरीके से प्लानिंग कर सकते हो इस 90 डेज में कि आपको कैसे कवर करना। अब मैं अगर बुक की बात करूं तो बुक नेट के लिए रियल एनालिसिस को छोड़ के किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप रेफरेंस बुक नहीं अगर फॉलो करते तो अच्छी बात, क्योंकि 90 डेज में ऑथर का बुक ऐसा होता है जब आप MSc लेवल में करते हो तब आप लाइब्रेरी में बैठ के जब टीचर्स आपको पढ़ाते हैं तो वहां पे आपको थ्योरम्स प्रूव करने होते हैं। तो उन थ्योरम्स को पढ़ने के लिए आपको वो आइडिया लगता है कि किस तरीके से वो कंस्ट्रक्शन करते हैं और उनके पीछे आइडिया क्या होता है, तब वहां पे आपका यूजफुल होता है। बट 90 डेज में ये पॉसिबल नहीं है। आपको क्या करना है, उन थ्योरम के स्टेटमेंट को समझना है और उस थ्योरम के स्टेटमेंट के लिए आप किसी भी क्लासेस के नोट्स को पहले आप थ्योरम्स को पढ़ो, उसको ज्योमेट्रिकली समझो अगर पॉसिबल है तो, और उसके जितने भी रिजल्ट कोरोलरी है उसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि आप 90 डेज में इतना ही कर सकते हो। और रही बात उसको डिटेल में पढ़ने की, उसको अच्छे से पढ़ने के लिए, तो इसके लिए आपके पास MSc के 2 ईयर्स थे, आपको वहां पे वो काम करना चाहिए था। अब MSc करने के बाद आपका इतना तो बेसिक क्लियर होगा। और दूसरी बात, अब वो स्टूडेंट जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो अब उनको क्या करना हो, किसी भी एक टॉपिक को लेकर या तो आप एक काम करो 30 डेज में या तो ये फॉलो करो, या तो आप उसको स्किप करके पहले 6 मंथ पहले आप पूरा अच्छे से अपनी बेसिक क्लियर करो और फिर आप दिसंबर में। लेकिन अगर आपको ऑथर की बुक करके अपना कॉन्सेप्ट भी क्लियर करना है और ये साथ में करना, तो ये डिपेंड करता है आपके माइंड में, अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हो। बट ये उनके लिए जिनका MSc ऑलरेडी हो चुका है, ये MSc के लास्ट सेम में है और बेसिक क्लियर बोले तो मतलब पूरा भी क्लियर नहीं होना चाहिए। अगर उनको हर क्वेश्चन के बारे में आइडिया भी है कि हाँ ये टॉपिक है, डेफिनेशन याद है, किस तरीके से अप्लाई करना है, अगर ये भी आइडिया है तो वो उनको उस तरीके से आप मेहनत कर सकते हो। पहले आप टॉपिक के हर एक स्टेटमेंट को पढ़ो, अगर आपने कोई एक थ्योरम पढ़ा उसे समझने की कोशिश करो कि ये थ्योरम कहना कैसा है, खुद उसको क्वेश्चन, तो पहले दिन आप पूरी तरीके से जितना मेहनत कर सकते अपना करो, नेक्स्ट डे आप क्वेश्चन सॉल्व करो,
चाहे नेट के, गेट के, किसी भी टाइप के क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हो। यूट्यूब से आप वीडियो देख सकते हो, नेट से, गूगल से, कहीं से भी, लेकिन फर्स्ट डे आपको अपना माइंड यूज करना। जब तक आप खुद का माइंड यूज करोगे तो एग्जाम के टाइम पे आप काउंटर एग्जाम्पल आपसे नहीं बनेंगे। अगर आप डायरेक्टली वीडियो देखते हो उससे होना रीजन ये होगा कि वहां से आपका माइंड तो यूज नहीं हो रहा है, आप किसी और के माइंड का यूज करके, क्योंकि वो काउंटर एग्जाम्पल दे रहा है, वो आपके माइंड में आ रहा है। तो एग्जाम में क्या होगा, जब आपको क्वेश्चन खुद से लेने नहीं आएंगे, अगर आपको याद है तो ठीक है, लेकिन होता यह है कि क्वेश्चन काफी इजी होते हैं बट आपसे काउंटर एग्जाम्पल नहीं बनते। इसका रीजन ये है कि आपने खुद नहीं थिंकिंग की। तो जितना हो सकता है खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, एक दिन नेक्स्ट डे क्वेश्चन सॉल्व करो, अगर नहीं हो रहे तो आप वीडियो से भी देख सकते हो। बाकी अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं वीडियोस, जैसे पहले 60 डे चैलेंज किए थे, हालांकि मैंने काफी वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो और आपको उस टॉपिक के नहीं समझ में आ रहा, तो आप 60 डे चैलेंज में आपको बहुत सारे वीडियो, वहां से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप वीडियो देख सकते हो। बाकी आप खुद भी अपने सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, ऐसा नहीं कि आप वीडियो देखोगे तो ही आएगा, सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, क्योंकि नेट पे एक कोई ऐसा कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है कि आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, आपको जैसे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या होता है, उसमें हर एक सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। अब अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो वो हर एक जीके को पढ़ नहीं सकता, जीएस पढ़ नहीं सकता, तो वो जीएस के सारे सब्जेक्ट के जो टीचर रहते हैं, बेस्ट टीचर, वो उनको पढ़ाते हैं। तो वहां पे उनके पास इतना टाइम नहीं रहता कि वो अब एक एक चीज को डीप में पढ़े, और ना ही डीप में पूछा जाता है, तो वहां ये वैलिड है। बट ये सब्जेक्ट आपका अपना सब्जेक्ट है, तो जितना आप खुद पढ़ोगे उतना अच्छा होगा, खुद सोचने की कोशिश करो और वही आपका एग्जाम क्लियर करेगा। बाकी आइडिया वगैरह लेना है तो आप वीडियो से ले सकते हैं, बट वो आपका एक्स्ट्रा होना चाहिए। बट मेन फोकस क्या होना चाहिए, आप जितना खुद से प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा, मतलब बोलते हैं ना सेकेंड ऑप्शन होना चाहिए। अगर आप वीडियो वगैरह यूट्यूब पे देख रहे हो, ये हमेशा आपका सेकेंड चॉइस होना चाहिए, बट फर्स्ट चॉइस आपका यही होना चाहिए कि आप खुद से ट्राई करो। नहीं समझ में आ रहा है तो भी अच्छी बात है, बट जितना हो सकता है बुक्स पढ़ो, नोट्स रेफर करो और खुद से क्वेश्चन बनाओ। फिर भी अगर नहीं हो रहा है फिर आप वीडियो देखो, फिर आपको पता चलेगा कि कहां आपके थिंकिंग में और जो वीडियो बताया जाए उनके थिंकिंग में डिफरेंस क्या है। फिर आपको अगर लगता है कि नहीं, अगर उससे अच्छी आपकी थिंकिंग है तो आप अपनी थिंकिंग में अप्लाई करो, और लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मैं ये चीज भी अप्लाई कर सकता हूं और यहां से शॉर्टकट मेथड में हो सकता है, वहां से आप सिर्फ शॉर्टकट मेथड सीखोगे, बट जो क्वेश्चंस को बिल्ड करना, उसको समझना, उसकी अंडरस्टैंडिंग करना, खुद से समझना, ये ज्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही अपना खुद का सब्जेक्ट है। मेन बात ये मैथ्स हमने खुद उसमें मास्टर्स किया है, और मास्टर करने का तो खुद फीलिंग आना चाहिए। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि कैसे आपको क्लियर करना है। रही बात किस सब्जेक्ट के लिए और किस टॉपिक के लिए कौन कौन से बुक रेफर करने, तो ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें हर एक टॉपिक के लिए कौन कौन से बुक, जो पीडीएफ है वो मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप पे प्रोवाइड किया, तो टेलीग्राम ग्रुप से वो वीडियो डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके अगर आप चाहते हो तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो आपको नोट से भी नहीं समझ में आता, तो आप रेफर कर सकते हैं। बट हर टॉपिक जरूरी नहीं कि हर टॉपिक को आप डिटेल में डिस्कस करो, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं। एक बार आपका नेट क्लियर हो गया, आप रिसर्च में जाओ, जिस टॉपिक पे आपको लगता है फिर आप उसमें बहुत ही अच्छे से उसको अप्रोच कर सकते हैं। तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, तो अच्छे से पढ़ते रहो और जून के लिए अच्छे से प्रिपेयर करो, और नेक्स्ट लेक्चर में अगर पॉसिबल रहा तो मैं वीडियोस बना दूंगा। बाकी एक्चुअली मैंने काफी वीडियो डाले 60 डे चैलेंज में, तो आप वीडियो देख सकते हो। बाकी अगर मुझे टाइम मिला तो मैं अल्टरनेट डेज पे वीडियो वगैरह डाल दूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कुछ नए इन्फॉर्मेशन के साथ या किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू।